असेंडिंग ऑर्डर जो है उसका जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल ही ये सब पढ़ाया, आज मैं फिर से रिकैप कराती हूँ। जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं फ्रॉम द बी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। उसका जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी पहले सबसे बड़ा देन लास्ट में सबसे छोटा, यानी कम कम करते हैं, उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा नाम है डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी, ठीक है। तो कल हमने एक क्वेश्चन किया था इसका, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था। और मैंने आपको ये बोला था आप अपनी ये नोटबुक पे करेंगे, तो किया है ना आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे ये क्वेश्चन, वेरी गुड। तो आज हम करने वाले हैं इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें नंबर्स को करना था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब इस वाली क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पहले अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमारे पास ये पार्ट्स दिए गए इस क्वेश्चन के, बी क्वाइट, जो इस क्वेश्चन के हमें पार्ट्स दिए गए हैं इसको हमें अरेंज करने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले कौन सा वाला नंबर लिखते हैं, यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे जो हमारा, देखिए यहाँ पे पार्ट क्या है, 33, 73, 53, 43। तो बताइए अगर हमें इन नंबर्स को अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले कौन सा नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। 73. Very good. 73. क्यों लिखे कि 73? क्योंकि 73 सबसे biggest number है, क्योंकि tens place पे देखिए digit यहाँ पे 3 है, 7 है, 5 है, 4 है, यहाँ पे जो सबसे biggest है वो है 7. तो that means 73 is the biggest number. तो यहाँ पे हम लिखे कि 73. Okay. उसके बाद कौन सा है छोटा 73 से? 53. Very good. 53. उसके बाद 42. इसमें हमें नंबर्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बताइए आजिम, सबसे पहला कौन सा नंबर हम लिखेंगे? आजिम अनम्यूट योर माइक्रोफोन। यस मैम। बताइए सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, बी वाले पार्ट में? थ्री तो है ही नहीं वहां पे, 78 है, 23 है, 28 एंड 32, इनमें बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है। वेरी गुड, आप माइक बंद कीजिए, मैंने आजिम से पूछा ना, खाली आजिम बताएंगे। वेरी गुड आजिम, 78। उसके बाद 78 से छोटा 43, 32 तो है नहीं, 32, वेरी गुड। ओके आतिम आप बताइए 32 के बाद कौन सा है छोटा? 28, वेरी गुड, 28। उसके बाद 23, वेरी गुड। नेक्स्ट सी वाले पार्ट का आंसर देंगे रुतबा जहरा। रुतबा जहरा अनम्यूट योर माइक्रोफोन। यस मैम। ये वाला पार्ट है 76, 48, 87, 64। बताइए इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है? मैम 87। वेरी गुड, 87 के बाद कौन सा है छोटा वाला नंबर? 11। 11 तो नहीं है बच्चा, सी वाले पार्ट में देखिए, सी वाले पार्ट में 76, 48, 87, 64। 87 के बाद कौन सा नंबर छोटा है? 76। वेरी गुड, 76। उसके बाद
64. रुतबा उसके बाद 64. रुतबा मैम 64. बच्चा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम. कौन सी 76 के बाद कौन सा नंबर है छोटा? 64. वेरी गुड, 64. उसके बाद मैम 48. एक्सीलेंट. नेक्स्ट डी वाला पार्ट है 14, 44, 11 एंड 41. इसका आंसर देगी आयान हसन. बताइए डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे आप इसको लिखेंगे? पहले कौन सा नंबर लिखेंगे डी वाले पार्ट में? 14, 44, 11, 41. इन चार में देखिए. आयान हसन डी वाले पार्ट में बताइए मुझे. डी वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर टू का डी वाला पार्ट. क्वेश्चन नंबर टू का डी वाला पार्ट. इरम आप बताइए जी. डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज. तो बताइए पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? वेरी गुड, 44. उसके बाद वेरी गुड, 41. उसके बाद 1414. वेरी गुड. एंड लास्ट में वेरी गुड. नेक्स्ट ई वाला पार्ट है 43, 24, 35 एंड 57. तो आंसर देगी आंसर हिलाल. आंसर बताइए. 57. ओके, 57. 43. वेरी गुड, 43. 35. ओके, उसके बाद 24. वेरी गुड, 24. नेक्स्ट है एफ वाला पार्ट, इसका लास्ट वाला पार्ट. इसका जो आंसर देंगे वो देंगे मेहरान, मेहरान फारूक. मेहरान अनम्यूट हो माइक्रोफोन. यस मैम. बताइए बच्चा एफ वाला पार्ट है 11, 22, 33, 44. बताइए इसमें आपको अरेंज करने हैं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो बताइए पहले कौन सा वाला नंबर लिखेंगे इसमें? कौन सा नंबर लिखेगी पहले? मैम 44. वेरी गुड, 44. उसके बाद 44. 33. वेरी गुड. मींस मैम आप बताइए 33 के बाद कौन सा नंबर आएगा? पहले 44 है इसमें बड़ा. ओके, उसके बाद 33. उसके बाद कौन सा नंबर आएगा मिसेम अब्बास? यस मैम. बताइए इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? आज आपकी पहली क्लास है मिसेम. मुर्तजा अहमद नागू आप बताएंगे. पहले 44, फिर 33, उसके बाद 22. वेरी गुड, 22. उसके बाद 22 के बाद 11. वेरी गुड. तो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, हमने कल जो क्वेश्चन किया उसमें हमें नंबर्स को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग का मतलब होता है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी पहले सबसे छोटा नंबर लिखा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में लिखा हमने सबसे बड़ा वाला नंबर. ठीक, आज जो हमारा क्वेश्चन था वो था अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग का मतलब होता है फर्स्ट हमें सबसे बिगेस्ट नंबर लिखना है, देन उसे छोटा और लास्ट में आता है सबसे छोटा वाला नंबर. मतलब फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स को अरेंज करना. ओके, ये दो क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए सबको? यस मैम. को आया समझ? यस मैम. जी मैम. ओके स्टूडेंट्स, तो आप अपनी बुक पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, check whether the given numbers are arranged in the ascending or descending order. Write A for ascending and
D for descending order in the given blank spaces. यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट्स जो है एक दो तीन चार पार्ट्स है, ठीक है। इसमें हमें देखना है क्या इन नंबर्स को अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में किया है अरेंज तो हमें A लिखना है यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है अरेंज तो वहां पे हमें डी लिखना है, ठीक है। तो पहला वाला हम देखेंगे पार्ट वन टेंस एंड थ्री वंस, थ्री वंस टू टेंस, फाइव टेंस, फाइव वंस, थ्री वंस, सिक्स टेंस। तो बताइए इसमें कैसे नंबर उसको अरेंज किया गया है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले आप यहाँ पे देखिए टेंस में, यहाँ पे कितना टेन है, वन टेन है, इसमें कितने टेंस है, इसमें कितने टेन, टू, इसमें फाइव, वेरी गुड, और इसमें सिक्स टेंस है ना, सिक्स। तो मतलब इसको कैसे अरेंज किया, पहले वन टेन, वन टू फाइव सिक्स, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। बताइए क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे किया गया है अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या ये स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट है या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। आप देखिए पहले वन टेन है, उसके बाद है टू टेन, उसके बाद है फाइव टेन, उसके बाद है सिक्स टेन, वन टू फाइव सिक्स। तो मतलब ये कैसे अरेंज किया, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आंसर हिलाल आप बताइए, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट। वेरी गुड, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाए, यहाँ पे आपको खाली यहाँ पे जो है देखना है वो देखना है टेंस कितना है। टेंस यहाँ पे है वन, वन टेंस थ्री वंस, हो गया थर्टीन, हो गया थर्टीन वाला नंबर आपके लिए मैं इजी कर, हो गया थर्टीन। उसके बाद देखिए यहाँ पे टू टेंस और थ्री वंस, कौन सा नंबर हो गया, ट्वेंटी थ्री, हो गया ट्वेंटी थ्री नंबर। यहाँ पे देखिए फाइव टेंस फाइव वंस, कौन सा नंबर हुआ, फिफ्टी फाइव। यहाँ पे देखिए थ्री वन सिक्स टेंस, सिक्स टेंस और थ्री वंस, कौन सा नंबर होता है, सिक्सटी थ्री, क्योंकि टेंस है ना सिक्स, तो हो गया सिक्सटी थ्री। आप मुझे बताइए यहाँ पे थर्टीन ट्वेंटी थ्री फिफ्टी फाइव सिक्सटी थ्री, आप कैसे नंबर उसको अरेंज किया गया है, क्या असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में किया गया है। असेंडिंग, वेरी गुड, अंदर हिलाल एक्सीलेंट, वेरी नाइस डियर, असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है छोटा नंबर, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स को किया गया है अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद बी वाले पार्ट में देखिए सेवन टेंस थ्री वंस, फाइव टेंस थ्री वंस, फोर टेंस थ्री वंस, यहाँ पे थ्री टेंस थ्री वंस। अब यहाँ पे देखिए सेवन है, फाइव है, फोर है, थ्री है, क्या यहाँ पे नंबर्स को कैसे अरेंज किया गया है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, वेरी गुड, क्यों यहाँ पे पहले कौन सा नंबर लिखा गया है, फ्रॉम बिगेस्ट लिखा गया है ना सबसे बड़ा वाला नंबर, तो जब हम पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं तो है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे आप लिखिएगे डी, डी का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे नंबर्स को अरेंज करके, ठीक। उसके बाद सी वाला पार्ट देख लीजिए, फोर टेंस एट वंस, फाइव टेंस सेवन वंस, सिक्स टेंस फाइव वंस, एट टेंस थ्री वंस, यहाँ पे डिसेंडिंग, फोर फाइव सिक्स एट, कैसे करके नंबर्स को असेंडिंग। यहाँ पे पहले स्मॉलेस्ट है और लास्ट में सबसे बिगेस्ट है, तो इस जब हम नंबर्स को अरेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए लिखेंगे, ओके। लास्ट वाला पार्ट है इसका नाइन टेन टू वन, थ्री वंस टू टेन, सिक्स वंस टू वंस, वन टेन, पहले कौन सा नंबर लिखे है, बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा
ऑर्डर ओके क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स तो आज आप ये वाला क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक पे करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का ए वाला पार्ट सी वाला पार्ट और एफ वाला पार्ट मार्क करके रखिए पार्ट ए पार्ट सी एंड पार्ट एफ इसको आप टिक करके रखिए ये तीन पार्ट सब अपनी नोटबुक पे करेंगे पार्ट ए पार्ट सी पार्ट एफ ओके Yes, रखा सर पुनी मार करके पार्ट्स को पार्ट ए पार्ट सी पार्ट एफ ओके अब मुझे आप अपनी नोटबुक दिखाएंगे कल का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर वन असेंडिंग ऑर्डर वाला वो सब आप मुझे दिखाइए मैंने कल आऊंगा जरूरी मैंने कल आऊंगा मुझे आप कल एब्सेंट थे ना जी मैम ओके डियर तो आप कल का काम भी करेंगे क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू में तीन पार्ट्स वो आप अपनी नोटबुक पे करेंगे ठीक है बच्चा जी मैम कर लूंगा जरूरी रुतबा जहर अपनी नोटबुक दिखाइए मेहरान अपनी नोटबुक दिखाइए रुतबा अपनी नोटबुक दिखाइए वेरी गुड मुर्तजा वेरी गुड आतिम आजिम अपनी नोटबुक दिखाइए नहीं है किसके पास बुक नहीं है कॉपी तो किन्हें आप लाते हो कॉपी बच्चा जब आपने बुक्स लाई तो कॉपी तो उसे सस्ती आती है ना तो कॉपी तो ला सकते हो क्योंकि इससे आप पीछे हो जाओगे आपको बहुत फिर काम करना है जब आप कॉपी नहीं लाओगे मेहरान आप दिखाएं मुझे अपनी नोटबुक मैं मुझे आप दो दिन लगेंगे बस मेहरान मारो मैं फिर बुक्स भी लाऊंगा और कॉपी ओके डियर मैम जल्दी से आपकी नोटबुक दिखाई मुझे आतिम आजिम दिखाई अपनी नोटबुक आतिम एंड आजिम आतिम फोन सीधे रखिए ये किसकी है आतिम है आजिम की मैम आतिम की ओके आजिम आप दिखाइए अपनी आजिम आजिम आपने ये कैसे किया है आपने तो वहां पे साइड से इसका लिखा है ये कैसे किया आपने जंबलिंग में क्यों लिखा है आतिम ने अच्छे से लिखा है पहले पार्ट लिखा है उसके नीचे इसका आंसर लिखा है लेकिन आपने देखिए आपने जंबलिंग की है आप ये नए से काम करेगी और आज का काम भी रिपीट करेगी ओके आजिम यस मैम ये वाला पेज दिखाइए आजिम जो यहाँ से है ये वाला पेज पिछला वाला काम दिखाइए वेरी गुड मेहरान आप अपनी नोटबुक दिखाएगी मुझे मेहरान बुक नहीं नोटबुक और आपने ये पार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री क्यों नहीं किया है मैंने तो अभी ये दिखाया ना क्वेश्चन नंबर थ्री पहला वाला असेंडिंग ऑर्डर है तो ए लिखिएगे दूसरा वाला डिसेंडिंग ऑर्डर है तो वहां पे डी लिखिएगे उसके बाद तीसरा वाला असेंडिंग है तो ए लिखिएगे उसके बाद डिसेंडिंग है तो डी ए डी ए डी वो आपने क्यों नहीं लिखा है ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर थ्री में और आपकी नोटबुक कहाँ पे है मेहरान मुझे नोटबुक नहीं है तो बच्चा आप कब नोटबुक लाओगे फिर कब आप काम करोगे आप आज नोटबुक जरूर लाएंगे जिन बच्चों ने अभी तक नोटबुक्स नहीं लाई है रुतबा मेहरान मीसम आप तीनों अपनी नोटबुक्स लाएंगे आज और सारा काम जो पेंडिंग है आपका वो कंप्लीट करेंगे ओके ठीक है भाई ठीक है मिसेम आपके पास बुक है मिसेम अब्बास अनम्यूट योर माइक्रोफोन यस मैम आपके पास बुक है
कौन सी बुक? मैथ बुक? हाँ। कॉपी? नहीं। तो आपने कॉपी की मिलाई वो भी? तो रुतबा महरान ये ठीक है बच्चा, आप तीनों अपनी नोटबुक्स लाएंगे आज और जो भी हमने काम किया है वो कंप्लीट करेगी सारा काम, ओके। और मुर्तजा आपका जो कल का पेंडिंग काम है वो भी आप करेगी और आज का काम भी करेगी, ठीक है डियर? जी मैं करूंगा। आजिम आप भी अपना काम जो आपने वो किया है वो आप रिपीट करेंगे, इरेज करेंगे, जैसे आतिम ने लिखा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है? मैम कौन सी कॉपी लानी है? सिंगल लाइन कॉपी मैथ के लिए, ठीक। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।